Everyone, I am Damini Patle from studying in 11th class. I am from Siddhi Vinayak Institute. Today we are going to start a topic, biological classification. Let's get start the topic. First of all, biological classification. We have studied about two classification system. The two classification system is given by Carolius Linnaeus. So, jo hamara two classification system hai. टू क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ इंक्लूड की गई थी, एक थी प्लांटाएँ एंड सेकेंड वन इज एनिमिलिया. जो टू क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये कैरेलियस लीनियस ने दिया था, जिसमें प्लांटाई और एनिमिलिया आते हैं. बट ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं था, बिकॉज इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में इस क्लासिफिकेशन बेसिस क्लियर नहीं किए गए थे. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठा के किसी भी किंगडम में डाल दिया गया था, उसका बेसिस ही क्लियर नहीं था कि उन्हें किस बेसिस पे डाले, इसलिए अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्टेबल नहीं किया गया. उसके बाद हमारा आया फाइव क्लासिफिकेशन सिस्टम. फाइव क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज़ गिवन बाय आर एच विटेकर इन 1696. तो हमारे फाइव क्लासिफिकेशन सिस्टम में आते हैं, फर्स्ट नंबर पे मोनेरा, सेकेंड वन इज प्रोटेस्टा, थर्ड फंगाई, फोर्थ प्लांटाई एंड फिफ्थ वन इज एनिमिलिया. ये जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है अब तक में, तो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल था फाइव क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय आर एच विटेकर, बिकॉज इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में अच्छे से बताया गया था क्लासिफिकेशन के बेसिस को. हर एक ऑर्गेनिज्म को बराबर उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हर एक ग्रुप में डाला गया था. तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में. किंगडम मोनेरा, तो सबसे पहली बात कि मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं. तो मोनेरा में ऑर्गेनिज्म आते हैं प्रोकैरियोटिक, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मोनेरा किंगडम में आएंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोटिक मतलब जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, एंड यूनिसेलुलर जिनके पास वन ही न्यूक्लियस है, मतलब वन ही सेल है. उसके बाद किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर होता है बैक्टीरिया. सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा इज बैक्टीरिया. एंड वी नो डैट बैक्टीरिया इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये हर जगह प्रेजेंट होता है, आपके आसपास हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है, हमारे हाथों में भी प्रेजेंट है. बट देयरफॉर इनका साइज जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसलिए हम इन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते. उसके बाद जो बैक्टीरिया है इनका स्ट्रक्चर तो काफ़ी सिंपल होता है, बट उतना ही कॉम्प्लेक्स इनका बिहेवियर होता है. अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. कीमो ऑटोट्रॉपिक मतलब बैक्टीरिया इस यूनिवर्स का एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकता है. बैक्टीरिया के अलावा कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके अपना फूड बना सकता है, इसलिए इनको कीमो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, बिकॉज ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं. उसके बाद आते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. तो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रॉपिक है. कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया है जो कीमो ऑटोट्रॉपिक है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं. मतलब मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर
हेटरोट्रॉपिक। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। सबसे पहले आता है आर्च बैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया की एक बात ये है कि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। इसी कारण से उन लोग एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब हमारे आर्च बैक्टीरिया के भी थ्री टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें मेथेनोजिनस बैक्टीरिया, तो जो मेथेनोजिनस बैक्टीरिया ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये एनिमल्स के गट्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल के डंक में प्रेजेंट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन ऑफ सेलुलोज के लिए, तो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। इसके बाद आएगा हमारा थर्मो एसिडोफिलो बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो हाई एसिडिक नेचर और हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है जिसका कारण वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड वन इज होलोफिल्स बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि साल्टी नेचर में भी सर्वाइव कर लेता है। तो ये हमारे आर्च बैक्टीरिया के थ्री टाइप्स है। ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं बिकॉज इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप आता है यू बैक्टीरिया, ऑल्सो नोन एज स्क्रू बैक्टीरिया। तो जो यू बैक्टीरिया इसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसमें आते हैं हमारे साइनो बैक्टीरिया, ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं और अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हेटेरोसाइट्स। हेटेरोसाइट्स एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोसाइट्स आर नॉस्टोक एंड एनामेना। उसके बाद अभी जैसे हमने देखा था कि मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक, जो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो एज अ डिकम्पोजर वर्क करते हैं। मतलब अगर हमने देखा है अगर हमारे घर में भी कोई चीज़ से दो तीन दिन तक ऐसे ही पड़ी तो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाते हैं जो उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक विच वर्क एज अ डिकम्पोजर। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें वो बोथ मतलब प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें तो डिजीज लाइक टाइफाइड कॉज बाय बैक्टीरिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो मेनली बैक्टीरिया इज रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फ्यूजन। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरिया इज ऑल्सो रिप्रोड्यूस्ड बाय इंडोस्पोर।
बट इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया इज रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, इन अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया इज रिप्रोड्यूस बाय इंडोस्पोर। इसके बाद हमारे पास एक और बैक्टीरिया जिसको बोला जाता है माइकोप्लाज्म। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इन द यूनिवर्स जिसका साइज होता है 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, इससे ज़्यादा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कोई नहीं है। ये कम्प्लीटली लैक करता है सेल वॉल, इसका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। एंड ये एक ऐसा एकमात्र ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर टॉपिक। यहाँ पे हम अपना किंगडम मोनेरा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।